गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द केपी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सेंटर्स। दिस इज योर एजुकेटर कैलाश कुशवाहा। आई टीच यू मैथ एंड साइंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। सो दिस इज योर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रियल नंबर्स। तो लास्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो है, हम जो इंट्रोडक्शन देखेंगे रियल नंबर की, फिर इसके बाद जो इस चैप्टर के में एक्सरसाइजेज हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर का डिस्कशन करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रहा है कि रियल नंबर को जो है आप क्या करेंगे, रियल नंबर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला रियल नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर से रिप्रेजेंट करने के बाद हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो टाइप्स के नंबर्स में ये डिवाइड हो जाता है। फिर रैशनल नंबर को भी टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास क्या कि नॉन इंटीजर, और एक होता है हमारे पास इंटीजर, एक होता है नॉन इंटीजर। तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम। पहला है इंटीजर्स के अंदर, पहला नंबर आ गया हमें नेगेटिव नंबर। सेकंड है होल नंबर, होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होगा और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होगा। इन सभी का डिस्कस हम करेंगे भाई, एक एक करके सभी का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं, सेकंड स्लाइड देखते हैं जिसमें लिखा हुआ रियल नंबर। समझिए आर रियल नंबर, देखिए यहाँ पर आर रियल नंबर्स इज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इंक्लूड ऑल इंटीजर्स एंड ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सभी के सभी इंटीजर एंड सभी के सभी रैशनल इरेशनल, मेनली रैशनल इरेशनल का कॉलिब्रेशन या इनका कलेक्शन ही हमारा रियल नंबर कहलाता है। एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन ये बिल्कुल बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। दिस इंडिकेट दैट रियल नंबर इज इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये सभी नंबर जो इंक्लूड होते हैं, चाहे वो रियल हों, चाहे होल हों, चाहे नेचुरल हों, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर। तो सभी का कलेक्शन जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। सभी का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। सभी के कलेक्शन को बोलते हैं हम रियल नंबर। नेक्स्ट है हम सबको एक एक करके डिस्कस, सबका एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे ऐसे क्या है। तो आइए देखते हैं, सबका एक एक करके डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या, ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो सभी के सभी रियल नंबर का मतलब है सभी के सभी रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, जीरो हो गया यानी प्लस का वन, प्लस टू, प्लस थ्री, सो प्लस इनफाइनट, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कहाँ तक जाएगा ये, माइनस का इन्फिनिटी तक। तो ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव विद ज़ीरो, उसे बोलेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो पार्ट्स बनते हैं। इंटीजर्स में एक हमारे पास आई डिनोट नहीं करते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। तो जेड से याद रखना है इसे। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, जेड ये पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ जेड नेगेटिव इसका मतलब हुआ कि ये इंटीजर में जो नेगेटिव नंबर हैं। तो कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव विद जीरो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर आगे हमारे पास जिसका नाम है, जिसे हमें पढ़ना है कि इसका नाम आपका है क्या कि रियल नंबर। चलिए इसे देखते हैं हम, अब इसे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम पढ़ते हैं। रैशनल नंबर देखिए, रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म,
in return p upon q means that ki any number is we can write p upon q form and q not equal to 0. कोई भी नंबर जो p upon q की फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो उसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर. बट q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. यदि सपोज दैट कोई नंबर ऊपर है और नीचे यदि 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है. क्या होती है? नॉट डिफाइन. नॉट डिफाइन का मीन्स है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा नंबर आएगा. इस वजह से कभी भी हम q की वैल्यू जो होते 0 नहीं रखते हैं. तो ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन रैशनल नंबर. सभी के सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि नीचे लिखा हुआ डेसिमल एक्सपेंशंस में, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग. दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग. आपने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा था कि टर्मिनेटिंग नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके रिमाइंडर जीरो आते हैं. कोई नंबर को डिवाइड किया जाए किसी नंबर से और उसका रिमाइंडर यदि हमें जीरो मिल जाता है तो यू हैव गेट द रिमाइंडर जीरो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. यदि आपको रिमाइंडर जीरो नहीं आता कभी भी तो उस नंबर को बोल देते हैं हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे उसे? नॉन टर्मिनेटिंग. अब नेक्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है क्यू डैश. क्यू डैश का मतलब हुआ कि समझ जाना, क्यू डैश का मतलब है कि आपका इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस मीन्स दैट कि पी अपॉन की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो उसे कहेंगे हम कहीं ना कहीं के रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. जैसे अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू को हम, अंडर रूट टू हुआ, अंडर रूट थ्री हुआ, अंडर रूट फाइव हुआ, दिस नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. नेक्स्ट नंबर है आपके पास जिसका नंबर फिफ्थ है, इसमें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आपको पता है जैसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली काउंट कहाँ से करते हैं, वन से करते हैं. तो जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम क्या, नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर को सिंपल है, आपको याद रखना कि पॉजिटिव वन से लेकर के पॉजिटिव टू डैट 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 पॉजिटिव इनफाइनट तक जाते हैं उन नंबरों को बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर आपको क्लियर समझ में आया. नेक्स्ट है होल नंबर. होल नंबर भी बिल्कुल ईजी है. होल नंबर में क्या होता है कि अभी हमने पढ़ाया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन टू और थ्री कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनट तक जाते हैं. यदि इसमें इंक्लूड कर लिया जाए जीरो, तो मतलब कि ऑल नेचुरल विद इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल. या ऐसे कर सकते हैं जीरो अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर्स आर कॉल्ड होल नंबर. तो जो इस नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से और प्लस के इनफाइनट तक जाते हैं, उन नंबरों को बोलते हैं हम क्या, होल नंबर. तो ये सेकंड है होल नंबर. अब नेक्स्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है. बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है भी, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. इवन नंबर में आपको पता है कि नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n, 2n का मतलब है कि 2 का किसी भी चीज़ में डिवाइड करें, 2 का डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या मिले हमें, जीरो मिले. यदि रिमाइंडर हमें जीरो मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि वह इवन नंबर हो. अभी यदि आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट वंस प्लेस क्या है, वन प्लेस. वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस का मतलब 0, 2, 4, 6, 8. लास्ट में यदि आपको ये नंबर मिलते हैं यूनिट डिजिट पर, जैसे वन प्लेस कहते हैं या यूनिट डिजिट कहते हैं या यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट कहो या वन प्लेस कहो, यदि ये मिलता है आपको तो आप कह देंगे कि वो कहीं ना कहीं क्या है, इवन नंबर है. ऑड नंबर के लिए आपको 2n प्लस 1 की फॉर्म में या 2n माइनस 1 की फॉर्म में, इसका मीन्स है कि इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9. यदि दीज नंबर्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, वन प्लेस पर मिल जाते हैं. कहाँ मिल जाते हैं? वन प्लेस पे मिल जाते हैं या यूनिट प्लेस पे मिल जाते हैं. वन प्लेस का मतलब है यूनिट प्लेस पे मिल जाते हैं तो आपको क्या कह देंगे आप उसे, कि वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑड नंबर होगा. अब कुछ रिमेंबर करना है, याद करना है. देखिए क्या क्या है. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर. क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, इसका मतलब सभी के सभी होल नंबर में क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं. तो हम कह देंगे सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि
ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, सभी के सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? जीरो भी होता है, प्लस का वन, प्लस का टू, कहाँ तक जाएगा? प्लस का इनफाइनट तक, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सारे के सारे नंबर होते हैं जो इंटीजर होते हैं। तो इसमें होल नंबर भी आता है, देखो ये होल नंबर है तो ये होल नंबर इसके अंदर आता है, तो हम कह देंगे सभी के सभी होल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि इंटीजर चाहे ये हो, इसके नीचे वन लगा दो, ये भी पी अपॉन की फॉर्म में, इसके नीचे वन लगा दो, इसके नीचे वन लगाओगे, किसी के भी नीचे वन लगा दो तो उसे हम पी अपॉन की फॉर्म में कर सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी के सभी इंटीजर्स जो होंगे क्या होंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, सभी के सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। डेफिनेशन हमसे कहती है कि रियल नंबर में चाहे रैशनल हो, चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, सब नंबर किस में आते हैं? हमारे रियल नंबर में आते हैं। तो इसका चारों के चारों पॉइंट आपको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गए हम प्राइम और कंपोजिट, बहुत ईजी है, इसे हम समझेंगे फिर उसके बाद चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में आपको इतना समझना है कि पहले एक फैक्ट लिख लेना है आपको रिमेंबर पॉइंट के तौर पे, कि रिमेंबर आपको क्या रखना है। इस रिमेंबर को यहाँ लिख देता हूँ मैं कि वन इज़ नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। वन ना ही प्राइम होता है, ना ही क्या होता है? कंपोजिट। तो आपको याद रखना कि वन ना ही प्राइम हो सकता है, ना ही कंपोजिट। अब प्राइम को समझते हैं। प्राइम क्या होता है? जिसके ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ। वन होगा और एक अलग होगा, तो उसे बोलते हैं हम क्या? प्राइम नंबर। जैसे कि बात करते हैं टू, टू क्या होता है? अपने से डिवाइड होगा या टू से? तो ये टू क्या है? एक प्राइम नंबर। जैसे थ्री हुआ, अपने से डिवाइड होगा या वन से? अपने से या वन से, तो ये भी क्या है? प्राइम। जैसे फोर है, फोर क्या है? वन से भी होगा, टू से भी होगा और फोर से, इसका मतलब दो से ज़्यादा से हुआ तो ये प्राइम नहीं है। जैसे फाइव की बात कर लेते हैं, फाइव समझो, फाइव के फैक्टर वन होता है या फाइव, तो फाइव से डिवाइड, फाइव किससे डिवाइड होगा? वन से या फाइव से, इसका मतलब फाइव इज़ अ प्राइम नंबर। सिक्स को समझते हैं कि वन से भी होगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा, सिक्स से, इसका मतलब मोर देन टू फैक्टर्स जहाँ पे भी आए हैं हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? कंपोजिट नंबर। प्राइम में हमेशा याद रखना कि अपने से कटेगा या एक से, उसे प्राइम कहेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट। कंपोजिट मैंने आपको बताया है कि वन तो ना ही प्राइम हो सकता, ना ही कंपोजिट। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट में होता है फोर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर। इसका फॉर्मूला याद रखना कि मोर देन टू फैक्टर, दो से ज़्यादा इसके फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है? कंपोजिट। जैसे कि मैं बात करता हूँ वन से भी होगा, इट सेल्फ एंड अदर, तीन चीज़ से कहीं डिवाइड होगा, ये तीन से ज़्यादा। जैसे फोर की बात कर लेते हैं तो क्या होगा? वन से भी होगा, टू से और फोर से, तो दीज आर द फोर मोर देन टू फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज सिक्स। सिक्स इज़ डिवाइडेड बाई वन, टू एंड थ्री एंड सिक्स, दीज हैव अ फोर फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है? फोर फैक्टर्स मीन्स दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो आप समझेंगे कि इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जिसका क्या हो, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ एंड एनी अदर्स, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट, उसे बोलेंगे क्या? कंपोजिट नंबर, जो एक से ज़्यादा जिसके फैक्टर आते हों। अब इंक्लूड डिवीजन लेमा है। इंक्लूड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से मैं आपको बता दूं कि कट चुका है, लेकिन कुछ बेसिक्स आपसे याद रखना कि जो डिवाइड का मेथड हुआ करता था वही डिवाइड का मेथड हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है, कि जो ए बराबर यहाँ वैल्यू आती है बी क्यू प्लस आर जो चेक करते थे, डिवाइड को चेक करते थे, तो क्या होता था? डिवाइड को चेक करने का मतलब होता था कि जिससे डिवाइड किया उसे बोलते हैं डिवाइजर इनटू क्या हुआ करता था डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, और इसमें यहाँ होता था डिविडेंट। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है? डिविडेंट कर रहा है। बी का डिवाइजर, क्यू का मतलब कोशेंट, आर का मतलब
रिमाइंडर्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्लूड डिवीजन लेमा से हम क्या कर देते हैं, एच सी एफ फाइंड करते थे। एक बड़ी डिजिट में लास्ट डिजिट टू डिजिट हों, टू हों या मोर देन टू है, मतलब थ्री डिजिट हों, तो इसके उनके बीच में हम क्या निकालते थे, फैक्टर। एस सी एफ निकालने के लिए, एस सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, इंक्लूड डिवीजन लेमा को, तो ये काट दिया गया है इस सिलेबस में। आप जो पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन ऑफ लेमा भी कट चुका है, अब आपको जो पढ़ना है वो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको ये पढ़ना है। ये टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर करना सीखना है आपको कि फैक्टर कैसे करते हैं। इस टॉपिक को समझेंगे तो देखिए, राइट द नंबर एज प्रोडक्ट एंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टर करने का मतलब, जैसे 32 है, 32 को हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया तो हम कह देंगे कि इसके फैक्टर कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, इसके फैक्टर कर दिए, मतलब 32 के आपने फैक्टर कर दिए। तो किसी भी नंबर को, कंपोजिट हो या प्राइम नंबर को, उसे हम क्या कर दें, फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। तो आपको याद रखना है प्राइम फैक्टर्स क्या है, कि उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने का प्रोसेस ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 आप देखेंगे तो 2 भी आएगा, इसका फैक्टर 2 आएगा फिर से और 5 आ जाएगा। तो इसे हम दो बार लिखा है, यदि वेस्ट सेम, मैंने लास्ट क्लास 9th क्लास में पढ़ाया था, आपने देखा होगा, नहीं है तो मेरी वीडियो जाकर 9th क्लास की देख लें, 1.6, जिसमें मैंने सारे रूल्स बताए हुए हैं पावर्स के। तो देखिए यहाँ पर कि 2^1 और 2^1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई 5। तो हम 20 को प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ट्री मेथड्स भी ऐसे होता है, जैसे कि हमने लिखा 15, तो 15 कैसे आ सकता है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 15 आ सकता है। जैसे हम नेक्स्ट नंबर एक और लेते हैं, जिसका नाम ले लिया हमने 72, 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ लिखा हमने, 36 यहाँ लिया, 36 को और ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 यहाँ लिखेंगे, 18 हमने यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट 18 को 2 यहाँ लिख दिया, उसके बाद 9 यहाँ लिखेंगे, इस 9 को 3 यहाँ लिख दिया हमने, और इसके बाद 3 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि देखिए हमारे पास क्या आ गया है, 3, 5, 2, इस तरीके से फैक्टर्स, इस तरीके से हम ट्री फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक का क्या मतलब है, कि हम दो चीज़ होंगे, दो टू नंबर्स आपको गिवेन होंगे, कोई यानी टू नंबर्स आपको क्या होंगे, गिवेन होंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको दो के नंबर गिवेन है, मैं अब लिख रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको 30 गिवेन है फर्स्ट, एंड मान लिया जाए आपको 40 गिवेन है। आपको कहा दिया जाएगा इसके बीच में एस सी एफ निकालो और एल सी एम निकालो। तो आप क्या करेंगे, एस सी एफ एल सी एम निकालने के लिए पहले इसे फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज लाइक दिस करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 60 क्या आएगा आपका, 2 से करेंगे तो आपका 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो आपका 1 आएगा, 40 को करेंगे तो 40 में क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 20 आएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 10, और 2 से करेंगे तो आएगा 5, और 5 से करेंगे तो आएगा 1। तो इस तरीके से करेंगे, फिर एस सी एम निकालेंगे। आप जो तरीका होता है एस सी एम निकालने का, कि पहले इसके फैक्टर लिख दो, 30 के फैक्टर आपके पास क्या क्या है, 2 × 3 × 5, और 40 के फैक्टर आ गए आपके पास क्या है, 2 × 2 × 2 × 5, तो ये कॉमन है आपके पास, दूसरा ये कॉमन है, तो आप कॉमन कॉमन लिखते 2 × 5, तो ये जाएगा 10। ऐसे ही आप एल सी एम निकालते थे कि एल सी एम में जो कॉमन है उसे लिखते, तो 10 तो कॉमन आ गया, 3 बचा, 2 बचा, 1 2 यहाँ बचा, तो 2 टाइम्स और 2 लिख दिया, इनटू में 3, तो 2 × 4 = 12, 12 × 10 = 20, 120। तो इसके बीच का जो एल सी एम आया वो आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल सी एम निकाल लिया, तो एल सी एम के लिए कुछ एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अभी हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं, उस वाले फार्मूले को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसे देख ले अच्छी तरह देख लेते हैं क्या है, उसे भी अच्छी तरह समझेंगे हम। चलिए देखते हैं, देखिए चलिए देखिए, तो यहाँ फार्मूले, कुछ फार्मूले हैं जो आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो पहला फार्मूला, उसमें आपको याद रखना है कि जब आपको क्या निकालना हो, एल सी एम, क्या निकालना हो, एल सी एम, तो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में एच सी एफ, एच सी एफ, और एच सी एफ बराबर होता है
product of two number upon LCM. अब टू नंबर को मैं से यदि आपको वन नंबर दे रखा है एलसीएम और एसएफ दे रखा है तो हम कहेंगे वन नंबर निकालना हो, वन नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में अदर नंबर। अदर नंबर का मतलब दूसरा अदर नंबर। यदि अदर नंबर निकालना है या सेकंड नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर या वन नंबर। तो इस तरीके से आपको ये चार फॉर्मूले जो एवरी टाइम लर्न करके रखने हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपको टू प्रूव द रैशनल नंबर। टू प्रूव द रैशनल नंबर मीन्स दैट कि आपको इसमें रैशनल नंबर क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए इस रैशनल नंबर कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर रूट टू दे रखा होगा आपको और उस अंडर रूट को बताना होगा कि ये प्रूव करके दिखाओ। बोलेगा कि प्रूव दैट कि दैट इज़ अ प्रूव दैट दैट इज़ अ इरेशनल, ये इरेशनल है। तो इसमें हम अच्छी तरह समझेंगे, पहली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें या दूसरी वीडियो में हम अच्छी तरह से समझाएंगे, तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। एक टॉपिक काट दिया गया है, वैसे आता है इसमें कि विदाउट एक्चुअल डिविजन्स आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपसे लिखा हुआ है जैसे मैंने 27 लिख दिया अपॉन में लिख दिया 10, आपको कहा कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो सिंपल है, ऐसे डेसिमल कन्वर्ट 10 है तो एक पॉइंट लगा दोगे, 2 पॉइंट कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए 15321 ऐसा नंबर दे रखा हो, उसके नीचे लिख दिया गया है 20, ऐसे ना 20 तो है 20 तो एक जीरो पॉइंट लग जाएगा लेकिन 2 रहेगा। तो इसको आपको क्या करना होता है कि नीचे वाले नंबर को 100 बनाना होता है। ये 100 कब बन सकता है, जब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करें, इसकी क्या करें 5 की 100 बनाएं या 1000 बनाएं या 10 बनाएं या 10,000 बनाएं। तो 100 बन गया, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जाए 5 और 5 टू जो 10 का 0 1 कैरी, 5 थ्री 15 एंड 16 का 6 1 कैरी, 25 एंड 26 का 6 1 कैरी, 26 टू कैरी और 5 टू 7 ये आ गया। अब नीचे आ गया 100, तो आप दो के पार्ट पॉइंट लगा दो कि आप जब आंसर लिखने जाओगे तो 7.66.05 इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। तो ये मेथड हम इसमें पढ़ते हैं, वैसे कटा हुआ है आपकी बुक से लेकिन मैंने बता दिया। लेकिन एक अलर्ट और है आपके लिए कि यदि किसी भी नंबर की पावर यदि जीरो है, किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो आप उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा वन आती है। जैसे 10,000 लिख दिया जाए, 50,000 लिख दिया जाए, उसकी पावर यदि क्या कर दी जाए, जीरो कर दी जाए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वन आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो उसकी वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, वन आएगी। तो इस तरीके से आप हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लेके आए हम, धन्यवाद दोस्तों।